गौरांग, ये डीमार्ट पे क्या करना चाहिए? शेयर बहुत अच्छा चला, बहुत ब्यूटीफुली इसने प्ले किया, इन्वेस्टर्स को पैसा दिया, आईपीओ में जिन्होंने पैसा लगाया उनको भी अच्छा पैसा मिल गया। आज एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, कुछ वॉलिटिलिटी देखते हैं। वैसे फंडामेंटल तो जस के तस ही रहेंगे, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड होने से कुछ फर्क होगा? वेल, कामकाज को लेकर के तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिस तरीके से आईपीओ के पहले मैनेजमेंट ने टिप्पणी दी, आईपीओ के पश्चात जिस तरीके से बयान आए और जिस तरीके से रुझान रहा है लिस्टिंग के पश्चात, तो छोटी मध्यम अवधि या फिर लिस्टिंग गेट से नज़रिए से अगर किसी ने पैसे लगाए होंगे तो जो शानदार रिटर्न मिला है और ख़ास करके पिछले हफ्ते जो परफॉर्मेंस दिया है स्टॉक ने, उसको ध्यान में रखते हुए मोटे तौर पर तो आम निवेशक तो निकल ही हुए होंगे जिन्होंने लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसे लगा, पहली बात। दूसरी बात, आईपीओ के समय हमने एक आईपीओ नोट बाहर निकाले थी जिसके ज़रिए हमने कवायद की थी कि आप लंबी अवधि के नज़रिए से बने रहें। अब आज एक ये इवेंट है, उसको लेकर के शायद एक निजक रिएक्शन आप देख सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि कंपनी के कामकाज को लेकर के इस पर्टिकुलर खबर को एक नकारात्मक परिस्थिति पैदा करने की ताकत है, और जिस तरीके की टिप्पणी आई डिम्पी, वेल, आने वाले समय में अगर और भी स्टोर्स ओपन होते हैं और जिस तरीके से जो बयान दिए उसके आधार पर मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन के माहौल के बाद और भी ऊपर की तरफ के दायरे बन सकते हैं। तो डी मार्ट आज फोकस में डेफिनेटली रहेगा, जैसे डिम्पी ने भी कहा कि एंकर इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन पीरियड है वो आज खत्म हो रहा है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है। एक क्विक कमेंट रिलायंस इंफ्रा पर भी ले लेते हैं। रिलायंस इंफ्रा पर ही आपकी राय लेना चाहेंगे, नतीजे आए हैं, आए अगर हम देखें तो 5700 करोड़ से घटकर 5000 करोड़ के आसपास रही, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर एक टर्न अराउंड हुआ है और घाटे से मुनाफे में कंपनी आई, और साथ साथ अर्निंग्स के साथ साथ कंपनी ने QIP लाने की भी बात कही है, और 2000 करोड़ का QIP कंपनी लाएगी जिसके लिए जल्द रोड शोज भी शुरू करेगी और डेफिनेटली इस रकम का इस्तेमाल अपने एक्सपेंशन पर कंपनी करने का प्लान कर रही है। क्या व्यू है आपका रिलायंस इंफ्रा पर पोस्ट अर्निंग्स? आई थिंक अर्निंग्स डेफिनेटली काफी इंप्रेसिव थे, और मैं भी मानता हूँ कि टॉप लाइन वॉज अराउंड 10% लोअर, पर जो आई थिंक इनके प्रॉफिट से मेरे ख्याल से जो करस्पॉन्डिंग पिछला क्वार्टर में 327 करोड़ का लॉस था, और आई थिंक ये क्वार्टर में उनके 41 करोड़ का प्रॉफिट है, तो एक टर्न अराउंड डेफिनेटली देखने को मिला। आई थिंक यदि आप उनके बिजनेस मॉडल को देखोगे तो एक बहुत मूल बात यह है कि दे आर शिफ्टिंग आउट ऑफ द लो मार्जिन बिजनेस एंड गोइंग इनटू द हाई मार्जिन बिजनेस, यू नो, जैसे रोड्स एग्जीक्यूशन, बॉट प्रोजेक्ट्स। तो इससे होगा क्या कि इनके मार्जिन्स में ग्रेजुअली एक्सपेंशन होगा और इनके जो नेट प्रॉफिट्स है, आई थिंक दैट विल आल्सो ग्रेजुअली स्टार्ट इंप्रूविंग। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्वीट स्पॉट में है, और कोई भी इन्वेस्टर यदि एक समझ लीजिए 6 महीने से 1 साल के नजरिए से देखता है तो आई थिंक दे कैन डेफिनेटली बाय रिलायंस इन्फ्रा एट दिस प्राइसेस।